आइए साहब, अब मैं एक छोटा सा वाकया पढ़ रहा हूँ। गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर के वालिद मोहतरम हजरत अबू सवाले रहमतुल्लाह अलैह की शान में हमारी माँ बहनों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। और जो लोग गौसे आजम के चाहने वाले दीवाने इस महफिल में हैं उनको भी अच्छा लगेगा। आइए साहब, आज की महफिल का पहला वाकया मैं हुजूर गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर के वालिद माजिद और एक सेब का वाकया आप तक पहुंचा रहा हूं। समाज फरमाएं। या मेरे गौसुल वरा पीराने पीर रोशन जमीर बड़े दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी मुहियुद्दीन शाह जिलानी बयां हूं क्या तेरे औसाफ ऐ महबूब सुबहानी बयां हूं क्या तेरे औसाफ ऐ महबूब सुबहानी नजर वालों की दुनिया में नहीं तेरा कोई सानी नजर वालों की दुनिया में नहीं तेरा कोई सानी तेरे पाए हंसी का नक्श हर पुश्ते वली पर है जज़ाकल्लाह तेरा मर्तबा या शाह जिलानी तेरे पाए हसी का नक्श हर पुश्ते वली पर है जज़ाकल्लाह तेरा मर्तबा या शाह जिलानी। लेकिन मेरा कहना है गौसे आजम के दरबार में जब कोई ध्यान से दिल लगाकर अगर आपने ये कलाम सुन लिया तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। कहना है गौसे आजम के दरबार में जब कोई गमजदा आ गया तिश्ना काम आ गया रंजो गम मिट गए दिल को फरहत मिली दायमी आफियत का पयाम आ गया। गौसे आजम मिले तो नबी मिल गए जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया सिलसिला नूर का नूर से मिल गया रोशनी बन के गौसे अनाम आ गया सिलसिला नूर का नूर से मिल गया रोशनी बन के वो से अनाम आ गया। बज रहा है जमाने में डंका तेरा दस्तगीरे जमाना है तू बा खुदा नाम नामी तुम्हारा खुदा की कसम हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया नाम नामी तुम्हारा खुदा की कसम हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया दामने गौसे आजम जिसे मिल गया ऐ मोमिनो दामने गौसे आजम जिसे मिल गया फिर उसे जिंदगी का पता मिल गया उनकी नजरे करम जिस पे भी हो गई उसको रहमत का लबरेज जामा गया उनकी नजरे करम जिस पे भी हो गई उनको लबरे उसको रहमत का लबरे जामा गया। हजरात एक मिनट लूंगा मैं आपको और मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे आप तो पूरा वाकया समझ में आएगा। देखिए हुजूर गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर के वालिद का नाम हजरत अबू सवाले रहमतुल्लाह अलैह है
जब आपकी शादी नहीं हुई थी, किसकी? गौसे पाक के वालिद की। मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे, एक झोपड़ी में रहते थे दरिया के किनारे। जब 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 एक दिन ऐसा आया कि आप मेहनत मजदूरी करने नहीं जा सके, बीमार हो गए कुछ, तो आपने रोजे रखना शुरू कर दिए, किसी से मांगा नहीं। जब कई दिन हो गए रोजे पे रोजा रखते हुए, तो एक दिन आप चकरा के गिर पड़े, और जब होश आया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि आज रोजा इफ्तार करने के लिए कुछ भी नहीं था घर में। आपने मगरिब की अजान हुई तो दरिया के किनारे पर बैठकर पानी से अपना रोजा खोला, रोजा इफ्तार लिया। देखा कि दरिया में एक सेब आ रहा है बहता हुआ। अल्लाह की कुदरत देखिए, एक सेब चला आ रहा है आपके सामने से। जैसे ही वो सेब गौसे आजम दस्तगीर के वालिद के सामने से गुजरा, आपने दरिया में नदी में हाथ बढ़ाकर वो सेब उठाकर भूख में उसको खा लिया आधा। मगर जब जब आधा खा लिया तो ये दिमाग ने कहा कि ए अबू सालेह, ये सेब तो तुझ पर हराम हो गया, क्योंकि तूने इसके मालिक से इजाजत नहीं ली। बिना इजाजत किसी की कोई चीज खा जाना हराम है। तो देखिए साहब, ये ख्याल आना था आपके दिल में, और आप दरिया के किनारे किनारे उसी सिमत को चल दिए जिधर से ये सेब बहता हुआ आ रहा था पानी में। बहुत दूर जाकर आपने देखा कि सेब का एक बाग है, उसकी शाखें, उसके पेड़ों की शाखें दरिया में झुकी हुई हैं, सेब लदे हुए हैं। आपने सोचा हो ना हो इसी बाग से ये सेब टूट कर गया होगा जो मैंने खा लिया। चलो इस बाग के अंदर जाकर देखें कौन है इसका मालिक, उससे हम माफी मांग लेंगे। जब आप बाग में पहुंचे तो क्या हुआ, और ये पूरा वाकया आप मुझसे सुने। बस आपके तवज्जो की मुझे आपसे मुझे तवज्जो की गुजारिश करनी है और कुछ नहीं, आप ध्यान से सुनते रहें। एक नौजवान का हाल सुनो, एक नौजवान का हाल सुनो, गौर से प्यारे। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, सभी से तवज्जो। कैसे? एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। है नाम अबू सालेह, है नाम अबू सालेह, ये है अर्श के तारे। हर वक्त पढ़ते रहते हैं कुरान के पारे, समझे इसे गलत तो ये खुद उसकी भूल है। ये नौजवान कौन है, आले रसूल है। मजदूरी करने जाते थे बस्ती कभी कभी, मेहनत के बाद जितनी भी उजरत इन्हें मिलती, उन पैसों से बाजार से लाते थे वो रोटी। इस तरह अबू
की जिंदगी हर दम खुदा का जिक्र ही बस। सुभान अल्लाह, ये छोटे से बच्चे के हाथों से 100 रुपए का नजराना मिला है इस कलाम पर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुने फिर से, मजदूरी करने जाते थे बस्ती कभी कभी, मेहनत के बाद जितनी भी उजरत इन्हें मिलती, उन पैसों से बाजार से लाते थे वो रोटी, इस तरह अबू साले की कटती थी जिंदगी, हर दम खुदा का जिक्र ही बस उनका काम था, पादे नमाज लब्बे दुरूदो सलाम था, कुदरत खुदा की देखिए बीमार पड़ गए, मजदूरी करने फिर वो दोबारा न जा सके, मजदूरी करने फिर वो दोबारा न जा सके, मजदूरी करने फिर वो दोबारा न जा सके, रोटी जो खत्म हो गई तो रोज रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोज रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोज रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोज रख लिए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि पानी से रोजा इफ्तार करना पड़ा, पानी से की इफ्तार तबीयत बहल गई, इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई, दो चार दिन का जिक्र क्या हफ्ते गुजर गए, कमजोरी बढ़ी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारी माँ बहनें छोटी छोटी बच्चियों के हाथ जो नजराना भिजवा रही हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। पानी से की अफ्तार तबीयत बहल गई, इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई, दो चार दिन का जिक्र क्या हफ्ते गुजर गए, कमजोरी पड़ी भूख से चकरा के गिर पड़े, आया जो होश शुक्र के सजदे अदा किए, भेजा खुदा ने सेब फिर खाने के वास्ते, पानी में बहता बस वही एक सेब आ गया, पानी में बहता बस वही एक सेब आ गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो सेब खा लिया, पहुंची गिजा जो पेट में दिल को हुआ सुरूर, रोशन हुआ दिमाग तो चेहरे पे आया नूर, रह रह के दिल दिमाग से कहता था ये जरूर, क्या माल खाया, अरे क्या माल खाया मुफ्त का, ये जायज भी था हुजूर, क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी था हुजूर, क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी था हुजूर, वो चीज खूब खा
कुरान में अल्लाह का ये सवाल है, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि हराम चीजें ना खाओ, ऐ मोमिनो हराम चीजें ना खाओ, हलाल चीजें खाओ। तो देखिए जब ये ख्याल आया तो फिर आगे क्या होता है, तवज्जो। वो सोचते थे ये गुनाह मुझसे हुआ अजीम, इतनी खता तुम मेरी करते ऐ करीम, क्योंकि तू बादशाह होता है बादशाह रही। फिर ये ख्याल आया के चल चल खुद ही है नदीम, मरना है तो चल कर मैं उसी राह में मरूं, जिसका है सेब उससे मैं माफी तलब करूं। वो सेब भाई ये पीछे का स्पीकर आपका सीटी दे रहा है, इसकी आवाज कम करो। वो सेब बहता पानी में आया था जिधर से, लेकर खुदा का नाम उसी सिमत चल दिए। हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे, देखा के लबे दरिया है कुछ बाप सेब के, देखा के लबे दरिया है कुछ बाप सेब के, देखा के लबे दरिया है कुछ बाप सेब के, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, 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 उसकी ज़बाँ पे मेरे मोहम्मद का नाम है, ज़बाँ पे मेरे मोहम्मद का नाम है, मेरे मोहम्मद का नाम। बहुत शुक्रिया। उसकी ज़बाँ पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी ज़बाँ पे मेरे मोहम्मद का नाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, उसकी ज़बाँ पे मेरे मोहम्मद का नाम है, दो सौ रुपए का नजराना हमारी माँ जो यहाँ तक आई उनकी जानिब से मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर के वालिदे माजिद हजरत अबू सवाले का वाकया आप उससे सुन रहे हैं, इस वक्त पूरा सुनाऊंगा इंशाल्लाह, आधा सुन चुके हैं आधा और रह गया है, इसको भी सुनिए। वाह वाह। जब आप उस बाग के अंदर पहुंचे तो एक बुजुर्ग आपको वहां अल्लाह अल्लाह करते हुए नजर आए, सेब के बाग में आपने जाकर सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया
कहा कहो कैसे आना हुआ? कहा हुजूर आपके बाग का एक सेब टूट कर दरिया में बहता हुआ जा रहा था, जो मैंने खा लिया है, अब इसकी माफी के लिए आया हूँ। कहा अच्छा अच्छा ठीक है, माफी हो जाएगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि तुम 6 महीने तक मेरे एक सेब के बाग की रखवाली करो, उसके बाद बताऊंगा तुम्हें आगे क्या करना है। गौसे पाक के वालिद 6 महीने तक उन बुजुर्ग का वो सेब का बाग रखाते हैं, उसकी रखवाली करते हैं। जब 6 महीने हो गए तो आपने पूछा हुजूर क्या मेरी माफी हो गई? कहा भी नहीं, मेरी एक शर्त है, अगर उसको पूरा करोगे तो माफी होगी वरना नहीं होगी। वो शर्त कौन सी रखी उन बुजुर्ग ने, मुलाजा करें। शुक्रिया। वो सोचते थे, कमेटी के सभी हजरात का शुक्रिया, बहुत बहुत नजराने से नवाजा आपने शेर पर। वो सोचते थे ये गुनाह मुझसे हुआ अजीम, इतनी खता तुम माफ मेरी कर दे ऐ करीम, क्योंकि तू बादशाह का है बादशाह रही। आराम से बैठ, क्योंकि तू बादशाह होता है बादशाह रही। फिर ये ख्याल आया के चल खुद ही है नदी, मरना है तो चल कर मैं उसी राह में मरूं, जिसका है सेब उससे मैं माफी तलब करूं। वो सेब पैदा पानी में आया था जिधर से, लेकर खुदा का नाम उसी सिमत चल दिए। हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे, देखा के लबे दरिया है कुछ बाप सेब के, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, उसकी जबा पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जबा पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जबा पे मेरे मोहम्मद का नाम है। फिर आगे कहती थी आंख उन्हें देखकर, गौसे पाक के वालिद की आंखें क्या कह रही हैं, कहती थी आंख देखिए रोशन चराग है। जब उन बुजुर्ग ने गौसे आजम के वालिद को देखा तो फिर दिल में ये ख्याल आया कि ये इतना नेक बच्चा, इतना नेक लड़का, अगर एक सेब खा भी लिया तो उसकी माफी के लिए यहाँ तक चलकर आया है, ये वाकई बहुत नेक बच्चा है। इसलिए आपने अपना इरादा बना लिया। क्या इरादा बनाया आपने? सुनिए साहब। कहती थी आंख देखिए रोशन चराग है, मालूम तू कर इनसे के ये किसके बाग है। वो बोले क्यों क्या बात है, ये बाग है मेरा। फिर आपने उस सेब का कह डाला माजरा, बोले जनाब हो गई है मुझसे एक खता, बेजुन मैंने आपका एक सेब खा लिया। हसनैन के तुफैल में दिल साफ कीजिए, सदके में पंजतन के खता माफ कीजिए। दिल में कहा बुजुर्ग ने ये हीरा है हीरा, फिर बोले आप शर्त है सुन गौर से जरा। शर्त सुनिए, उन बुजुर्ग की शर्त सुनिए आप। यहां कहते हैं ऐ बरखुरदार, है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जा रहो। लेकिन ये भी सुन लो कि मेरी बेटी है कैसी, मेरी बेटी में क्या क्या नुक्स है, क्या क्या है, मैं बता रहा हूँ, बाद में मत कहना कि कहा नहीं था। वो बुजुर्ग समझाते हैं गौस पाक के वालिद को कि सुनो, चार बातें बताते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी हमारी इस्लाम की माँ बहने जिन पर दीन इस्लाम नाज करता है, ये है गौसे पाक की वालिदा जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये है
है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जा रहो। ये भी सुनो बेटी है मेरी पांव से लंगड़ी, पहली बात ये भी सुनो जब्बार साहब, ये भी सुनो बेटी है मेरी पांव से लंगड़ी, कुछ बोलती नहीं है के है मुंह से वो गूंगी, आंखों से है अंधी तो है कानों से वो बहरी। तुम खूब दिल में सोच लो, ये मेरी शर्तें हैं, ये पूरा करोगे तो माफी होगी। तुम खूब दिल में सोच लो ये बात है गहरी, तुम खूब दिल में सोच लो ये बात है गहरी। अल मुख्तसर आप फरमाते हैं, हुजूर मुझे सब मंजूर है, लंगड़ी है, बहरी है, गूंगी है, अंधी है, जैसी भी है मुझे मंजूर है ये शर्त आपकी। अल मुख्तसर जब अब्द उस लड़की से हो गया, कमरे में देखा रात को एक चांद सा टुकड़ा। आप अपनी दुल्हन को अपने कमरे में ले आए, अपने घर ले आए, रात को जब आपने अपनी दुल्हन का चेहरा देखा, शादी की पहली रात, तो क्या हुआ? अल मुख्तसर जब अब्द उस लड़की से हो गया, कमरे में देखा रात को एक चांद सा टुकड़ा। अंधी कहाँ गई, वो अंधी कहाँ गई जिसके बारे में मुझे बुजुर्ग ने, इनके वालिद ने बताया था। अंधी कहाँ गई मेरी दिल सोचने लगा, शायद ये कोई दूसरी है दिल ने ये कहा, शायद ये कोई दूसरी है दिल ने ये कहा, शायद ये कोई दूसरी है दिल ने ये कहा। खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर। और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और देखा कि मुझे तो अंधी बताया गया था, लंगड़ी बताया गया था, बहरी बताया गया था, मगर ये लड़की तो ऐसी नहीं है। सलाम का जवाब भी दिया, आंखें भी मुझे देख रही है, ना अंधी है, ना बहरी है, ना लंगड़ी है, ना गूंगी है, ये कोई दूसरी लड़की तो नहीं है। आप रात भर नमाज पढ़ते रहे और वो रात भर बिस्तर पर सर झुकाए तस्बीह पढ़ती रही। सुबह हुई तो आप उन बुजुर्ग के पास गए जिन्होंने ये चार बातें बताई थी अपनी बेटी में। वो बुजुर्ग देखकर समझ गए कि ये क्यों आया है मेरे पास। सलाम किया, सलाम का जवाब देकर कहा, मैं समझ गया तुम क्यों आए हो, तुम शायद इसलिए आए हो, ये समझ कर आए हो कि मैंने कल तुमसे झूठ बोला था। झूठ बोलना मुसलमान के लिए बहुत बड़ा गुनाह है। मेरी बेटी में वो चारों बातें हैं जो मैंने बताई, लेकिन तुम समझ नहीं पाए मेरी बात को, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया था। वो कहते हैं सुनो, वो चारों बातें हैं मेरी बेटी में, मगर कैसे हैं? तवज्जो, जाकर सुबह बुजुर्ग को पहले किया सलाम, देकर दुआ बुजुर्ग हुए उनसे हम कलाम। चेहरा तुम्हारा कहता है ये रात का पयाम,
मैं झूठ तुमसे बोला नहीं, सुन लो नेक नाम। मोमिन के लिए झूठ गुनाह अजीम है, इस बात का गवाह मेरा रब्बे करीम है। सुनो, देखा देखा ना इन आंखों से मेरी बेटी ने, देखा ना किसी गैर को अंधी है इसलिए, देखा ना किसी गैर को अंधी है इसलिए, बाहर ना निकली घर से वो लंगड़ी है इसलिए, वो झूठ नहीं बोलती गूंगी है इसलिए, वो झूठ नहीं बोलती गूंगी है इसलिए। और गीबत यानी चुगली बुराई किसी की, गीबत नहीं सुनती है वो बहरी है इसलिए। कहते हैं वो बुजुर्ग, मेरी बेटी ने अपनी इन आंखों से किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा इसलिए वो अंधी है। शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी का कदम कभी घर से बाहर नहीं निकला इसलिए वो लंगड़ी है। मेरी बेटी ने कभी अपने मुंह से झूठ नहीं बोला है इसलिए वो गूंगी है। और किसी की बुराई गीबत आज तक उसने अपने कानों से नहीं सुनी इसलिए वो बहरी है। अब अल्लाह के करम से बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, पली है बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। लीजिए साहब आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, बात क्लियर हो गई, साफ हो गई बात। फिर गौसे पाक के वालिद और वालिदा दोनों आराम से रहने लगे, मगर अब वो वक्त भी नजदीक आ गया, गौसे पाक अपनी माँ के शिकम में आ गया। जब गौसे आजम अपनी माँ के शिकम में आ गए तो फिर आपकी करामत देखिए, एक दिन आपकी वालिदा जरा जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ रही थी, माँ के पेट से आवाज आई, अम्मी नमाज आहिस्ता पढ़ी है। करामत देखिए मेरे गौसे आजम की, माँ के पेट के अंदर है और करामत दिखा दी, अम्मी नमाज आहिस्ता पढ़ी है। आप चौंक कर देखने लगी किसकी आवाज आई, लेकिन अगले ही पल जब ध्यान आया तो शर्मा के रह गई। फिर आप इस दुनिया में जब तशरीफ लाने वाले हैं तो क्या हुआ, कैसे अल-मुख्तसर अल-मुख्तसर वो रहने लगे फिर हंसी खुशी, यादे खुदा में कटने लगी उनकी जिंदगी, वलियों के ताजदार कौन है गौसे आजम दस्तगीर, वलियों के ताजदार के आने की है घड़ी, एक दिन नमाज पढ़ने में बीबी ने की जल्दी, आहिस्ता पढ़िए अम्मी ये आवाज आई, चारों तरफ को देखने को आंख उठाई, बोली खुदाया कौन है आवाज किसने दी,
फिर कुछ ख्याल आया तो शर्मा के रह गई। रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक। अब यहाँ एक सवाल है मेरा आप लोगों से, ये जो ग्यारहवीं हम मनाते हैं क्या ये गौसे आजम दस्तगीर की पैदाइश की तारीख है? नहीं, हरगिज नहीं। ये ग्यारहवीं शरीफ हम क्यों मनाते हैं? फिर वो इसलिए हम मनाते हैं कि मेरे गौस अब्दुल कादिर जीलानी हर महीने की 11 तारीख को हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फातहा किया करते थे, हर महीने की 11 तारीख को। इसलिए ये 11वीं तारीख आपके नाम से मंसूब हो गई, 11वीं शरीफ गौसे पाक की। लेकिन आपकी पैदाइश कब और किस महीने में हुई, किस रात में हुई, वो मैं बताने जा रहा हूँ। हजरात गौर से सुने, आज के बाद ये भी आपको पता चल जाएगा। गौसे आजम जब पैदा हुए तो वो रात रमजान की चांद रात थी, अगले दिन रोजा था। चांद रात रमजान की चांद दिखा, लोगों ने तरावी पढ़ी, सहरी खाई और अगले दिन रोजा रखा। वो रात में हुजूर गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। सही जो तारीख है आपकी पैदाइश की वो रमजान की चांद रात। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको मजीद मालूमात हुई होगी इसको सुनकर। आखिरी बंद सुना रहा हूँ, सुनिए। शुक्रिया। रहमत से हक की, रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक। पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक। दुनिया में आए जिस घड़ी ने हिलाया धुलाया। दूसरी करामत माँ के पेट के अंदर से करामत दिखाई। अब दुनिया में आए जिस घड़ी ने हिलाया धुलाया। माँ ने दिया जब दूध तो मुंह से न लगाया। दूध नहीं पिया आपने अपनी माँ का। आवाज दी आपकी वालदा ने अपने शौहर को, आवाज दी शौहर को, इसे देखो क्या हुआ। पीता नहीं है दूध के ये माजरा है क्या। वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है। वो बोले ये भी शायद हमारा बच्चा भी ये रोजादार है। शायद हमारा बच्चा भी ये रोजादार है। शायद हमारा बच्चा भी रोजादार है। शुक्रिया। जब मस्जिदों में शाम को होने लगी अज़ान, जब मस्जिदों में शाम को होने लगी अज़ान। दिन भर दूध नहीं पिया गौसे पाक ने। जब मस्जिदों में शाम को होने लगी अज़ान तो पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद। पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद। रखा गौसे पाक ने पहले दिन का। मगरिब की अजान हुई तो माँ का दूध पिया आपने। सुभान अल्लाह। पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद माँ। पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद माँ। पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद माँ। बहुत हो के शाद माँ। बहुत हो के शाद।